हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए, जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। भैया और भाभी मंडप में आ गए थे। उन्होंने अपने अपने आसन ग्रहण किए। उनके पीछे वाली कारपेट पर ही सभी बहनें बैठी थीं। जैसे ही भैया ने जूते उतारे, चंदा ने जाकर उठा लिए और शिवानी के हवाले किए। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लड़की के मामा मामी कन्यादान के लिए तैयार थे। पंडित जी विधि पूर्वक सभी विधियां कराने में लगे हुए थे। इधर सभी बहनों में गुफ्तगू चल रही थी कि जूते कहाँ छुपाए जाएं। सब मंडप से उठकर पास वाले कमरे में आ गईं। उधर कई जोड़ी निगाहें उनका पीछा कर रही थीं। सालियों ने अपने जासूस लगाए हुए थे। कमरे के आसपास जासूस रूपी सालियां घूम रही थीं। सभी बहनों ने डिसाइड किया कि जूतों के बेड के नीचे बने बॉक्स में रखते हैं और बारी बारी से दो दो बहनें उसकी निगरानी करेंगी। फैसला हो गया। जूते बॉक्स में रख दिए गए। ज्योति और शिवानी निगरानी में लग गईं। बाकी बहनें आकर भैया भाभी के पास बैठ गईं। उधर साली रूपी जासूस बहुत मुश्तैदी से लगे हुए थे इस फिराक में कि शिवानी और ज्योति हटें और वह जूते पार कर लें। जासूसों ने पता कर लिया था कि जूते इसी बेड के बॉक्स में हैं। बारी बारी से सालियाँ भी अपनी ड्यूटी बदल रही थीं। एक घंटे बाद नीरा और नीता पहरा देने लगीं। ये सिलसिला चलता रहा। शादी की रस्में रात भर होती रहीं। कन्यादान हुआ, सिंदूरदान हुआ और फिर फेरे होते होते सुबह हो गई। आखिरी ड्यूटी गुड़िया और चंदा की थी। रात भर जगे होने के कारण थकान मिटाने के लिए वो बेड पर लेट गईं। 10 मिनट बाद शोर से उनकी नींद टूटी। बाहर सालियां खूब उछल कूद कर रही थीं और नेक के पैसे मांग रही थीं। गुड़िया और चंदा बाहर आईं तो देखा जूते सालियों के हाथ में हैं। भागकर बेड खोलकर उन्होंने देखा तो जूते वहां से गायब थे। चंदा और गुड़िया दोनों बहुत शर्मिंदा थीं। सभी बहनें नाराज हो रही थीं। ज्योति बोली, तुम लोगों को वहां जूतों की निगरानी के लिए भेजा था या बेडरूम में सोने के लिए? खैर, अब पछताने से क्या होने वाला था। उधर भैया गुस्से में आंखें बड़ी करके बहनों को घूर रहे थे। कोई भी भैया से आंख नहीं मिला रही थी। सालियों जूते वापस करने का 10,000 मांग रही थी। भैया ने कहा, इतने के तो जूते भी नहीं हैं। बड़ी साली बोली, ये नेक होता है, आपको देना ही पड़ेगा। एक घंटा हुज्जत करने के बाद सौदा 5,000 में तय हुआ। होटल के द्वार पर भैया भाभी के स्वागत की पूरी तैयारियाँ थीं। सारी रात जागरण से सभी बराती और दूल्हा दुल्हन बहुत थक गए थे। नाश्ता करके सब अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। दोपहर के खाने पर सबको जगाया गया। लंच के बाद कंगना खेलने की रस्म हुई। थाल के दूधिया पानी में भाभी का कंगना डाला गया। भाभी भी कम फुर्तीली नहीं थी। दो बार उन्होंने भैया को हरा दिया पर तीसरी बार भैया जीत गए। हंसी की फुलझड़ियों, ठहाकों और हंसी मजाक के साथ विधि संपन्न हुई। शाम को 7 बजे बारात वापस बनारस के लिए निकल पड़ी। लड़की वालों की अभूतपूर्व आवभगत और देखभाल के लिए बुआ और सभी बड़ों ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा। विदाई के समय भाभी रो रही थीं। उन्हें देखकर कई नंदों की आंखों में भी आंसू आ गए। चंदा तो रोने ही लगी। सब बसों और कारों में सवार हो गए। भैया भाभी की कार बहुत ही खूबसूरत सजी थी। 12 बजते बजते सब बनारस पहुंच गए। घर में भाभी के स्वागत की सभी तैयारियां थीं। अपने खूबसूरत मेहंदी लगे पैर से भाभी ने चावल से भरा कलश लुढ़का दिया। रंगों से भरे थाल में पैर रखकर उन्होंने घर में प्रवेश किया। उनके कदमों के छोटे छोटे निशान फर्श पर बन गए। रात काफ़ी हो गई थी, सब सोने चले गए। सुबह का उजाला होते ही बुआ उठ बैठी। आज की सभी रस्मों की तैयारी उन्हें करवानी थी।
घर की सभी सेविकाएं भी बहुत खुश नज़र आ रही थीं। सुबह के 9 बज गए थे। चंदा ने पर्पल कलर की सिल्क की ड्रेस पहनी थी, सभी मैचिंग एक्सेसरीज के साथ। छोटा सा एक मैचिंग पर्स भी कंधे पर झूल रहा था। नाश्ता करके सब लिविंग रूम में आ गए। वहीं सब इंतज़ाम था। सब भैया और भाभी का इंतज़ार कर रहे थे। 10 मिनट बाद भैया तैयार होकर आ गए। चंदा भागकर भाभी के कमरे में पहुंची और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर उन्हें तैयार होता देखने लगी। भाभी मुस्कुरा दी। चुपचाप 5 मिनट तक देखते रहने के बाद वह बोली, चलिए ना भाभी, भैया इंतज़ार कर रहे हैं। पल्लू को सिर पर डालते हुए थोड़ा घूंघट निकालकर भाभी चंदा के साथ चल पड़ी। सामने से हंसती खिलखिलाती और नंदे भी भाभी को लेने आ पहुंची। भगवान के पूजन के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। चंदा को सब देखकर बहुत आनंद आ रहा था। एक एक करके सभी बड़े बूढ़े आते, बहू का घूंघट उठाया जाता, सभी भाभी आंखें बंद कर लेती, लोग कहते बहू तो बहुत सुंदर है, आशीर्वाद देते, उपहार देते। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने पर लंच सर्व हो गया था। सब लड़कियां चहकते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंची। भाभी ने उन्हें देखकर अपने पास बुलाया। अब भाभी काफ़ी फ्री और खुश लग रही थी, सभी से बातें कर रही थी, नंदों से हंसी मजाक भी कर रही थी। आज शाम को बनारस के क्लब हाउस में भैया और भाभी की रिसेप्शन पार्टी है। चंदा ने अपना ग्रीन कलर का सुनहरी गोटे वाला लहंगा पहना, बालों में हरे रंग का सुनहरा चुटीला बांधा, पैरों में पायल और हाथों में हरी चूड़ियाँ पहनी। तैयार होकर वह भाभी के कमरे में पहुँच गई। भाभी अभी तैयार हो रही थी, चंदा को देखकर बोली, वाह छोटी नंद साहिबा, अब आपके लिए भी लड़का ढूंढना पड़ेगा, दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। तैयार होते भैया ज़ोरों से हंस पड़े। चंदा भाभी से नाराज़ होते हुए वहाँ से भाग गई। रिसेप्शन हॉल बहुत ही बड़ा था और बहुत भव्य तरीके से सजा था। स्टेज पर सिंहासन नुमा दो सोफे पर भैया भाभी बैठे थे। नंदों ने कुछ डांस प्रोग्राम रखे थे, फिल्मी गानों पर खूब डांस हुआ। दो गानों पर भैया बहनों पर नकली गुस्सा कर रहे थे। एक तो मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और दूसरा बुद्धू पड़ गया पल्ले। भैया की नाराज़गी देखकर शिवानी ने कहा, भैया इसमें से आप कोई हैं क्या जो चिढ़ रहे हैं? सब हंसने लगे। भैया शर्मा गए और हाथों से शिवानी को मुक्का दिखाया। इन्हीं सब हंसी ठिठोली के साथ माहौल अत्यंत खुशनुमा हो गया था। स्टेज पर मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे, उपहारों के ढेर बढ़ते जा रहे थे। बनारस में बहुत रिश्तेदार दोस्त और बिरादरी वाले थे। कई सौ लोगों की भीड़ थी। कैमरामैन ग्रुप फोटो और वीडियो बना रहे थे। स्क्रीन्स पर सब चित्रित हो रहा था। पूरा हॉल फूलों की खुशबू से नहाया हुआ था। बल्बों की रोशनी में सब जगमगा रहा था। डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में भैया भाभी को पहुंचते पहुंचते 1 बज गए। आज चंदा थोड़ी उदास थी। पापा की छुट्टियां समाप्त हो गई थीं। 12:30 बजे की ट्रेन थी। बुआ बार बार थोड़ा और रुकने के लिए बोल रही थी। पापा बता रहे थे कि कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। सारा सामान पैक हो गया था। बुआ ने सबको गिफ्ट दिया। भैया भाभी भी उदास थे। सभी बहनों ने भैया से प्रॉमिस कराया कि वह जल्द ही भाभी को लेकर इलाहाबाद आएंगे। बाहर टैक्सी आ गई। पापा सामान रखवा रहे थे। बुआ ने तीनों बच्चियों को प्यार करके सीने से लगा लिया। माँ ने बुआ का पैर छुआ। आशीर्वाद देकर बुआ ने माँ को गले से लगाया। टैक्सी स्टेशन के लिए रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म पर पहुँचते ही देखा गाड़ी पहले से ही लग चुकी थी। अपनी रिजर्व सीट पर सब सेटल हो गए। 5 बजे तक ट्रेन इलाहाबाद पहुँच गई। 6 बजते बजते सब घर पहुँच गए। चंदा को घर बहुत सूना सूना लग रहा था। उसने माँ से कहा, माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बनारस की याद आ रही है। माँ ने कहा, बेटा अभी 2-4 दिनों में ठीक लगने लगेगा। शादी की चहल पहल के बाद थोड़ा सन्नाटा तो लगेगा ही, पापा ने कहा, पर जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर पापा ने चंदा को अपनी गोद में बैठा लिया।
चंदा मुस्कुरा उठी। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।